अगर आप मिनट्स में लिख के गए तो अच्छा है, एक जगह हो जाता है कि भाई शहर की तरफ से आपने किए, पहले कलेक्टर करते थे, बाद में कलेक्टर सीपी की तरफ आ गया, तो एक हमारी थोड़ी शिकायत है, वो जो बंद किए वैसा बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे त्योहारों में रहता है, हमारी ईद में बंद होता तो अलग लगा, ये कहते हैं। और दूसरी चीज है, आपको बाकी सब चीजें आना चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा आपसे मौका दे करके जो अच्छे गुनेगार लोग उनको पकड़े, कोई हमसे बच्चों से गलती हुई थी, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आइंदा भी वैसी कोई बेगुनाह ना चले जाए उसका आपसे नजर रखे थे, अभी भी अगर आप उस पर नजर रखेंगे, हम सब आप ही के साथ होते, नहीं होना था ये चीजें, किसके तरफ से मैं आगे नहीं बोलना चाहता, इसलिए हम आपके पास आए भी नहीं अभी तक के, क्या करना खाली अभी के टाइम पे कि भाई बेगुनाह ना जाए बोल के, तो कम से कम बच्चों के अंदर आजकल माँ बाप होते हैं सब परेशान, हालात कुछ ऐसे शहर बाहर के लोग आ जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं सकते, वो हमारे भी लोगों की इज्जत नहीं करते, और हम लोग अगर लीडर भी रहे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हम स्पीच कर देते लेकिन जब माँ कंट्रोल होता तो हमको भी गाला देते, तो वैसा हमने स्पीच नहीं करना कि बच्चे जज्बात से आ जाए, कि हमारी भी गलती होती है उसको हम भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाजार में आप साथ दिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कभी बाहर कुछ हो रहा है तो हम यहाँ ना करें, अगर बारिश हैदराबाद में तो हम ये छतरी लेके मत फिरो, ये मेरा हमेशा कहना, जहाँ बारिश आ रही है छतरी लेके फिरो, जहाँ ऐसा कुछ चीज है हालत होती है, फिर भी आज अच्छा हुआ आप लोगों ने बुला लिया, दो पांच मिनट में चलिए अगर खत्म हो गया, ये ट्रॉफी का मसला इतना ही था, बाकी सब त्यौहार में, और सब हमेशा ऐसा होता था 15-20 राममूर्ति साहब के जमाने से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ईद का इसका प्रोग्राम होता था इफ्तार का, लेकिन कुछ मेरे जैसे अधिकारी आए थे क्या बोलती है लोगों ने बाहर बोले सब 15-20 7-8 साल बंदिश हो गए, आप जब से यहाँ भी था आपके जमाने भी हुआ था, इफ्तार खोलते थे दोस्तों पर दली जिंदू मुस्लिम सब आ जाते थे, एक दूसरे से मिल मिलाप भी हो जाता था, वो बंद हुआ था आते साथ तो भी शुरू होना इसी हमारी उम्मीद है, अगर आप मिनट्स में लिख के गए तो 15-20 मिनट में खत्म हो गया तो अच्छा है। ईद के दिन जो है तो सब ये बारापुल्ला गेट है, यहाँ पर आगे पीछे अगर कनिष्ठ बढ़े तो अच्छा है, आप वहां रहते हैं लास्ट में, और जमील बेग की मस्जिद के पास भी अगर आगे पीछे रहे तो ट्रैफिक को मसला कम हो जाता है, ये घाटी दवाने के पास से मकई गेट और ये तीनों गेटों के पास आगे और पीछे ट्रैफिक कभी भी ये अच्छा हो जाती, और ईदगाह के पीछे जो अपन जाते हैं तो आगे जाने के बाद वहां से एक रास्ता जाता है, जाके पीछे पर गाड़ियां रुक गई थी तो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, वो तकलीफ हुई, तो वहां भी कांस्टेबल रहे कि वहां से गाड़ी ना जाए, ताकि गली में जाके रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां का ये होना चाहिए। दूसरा उस्मानपुरी की ईदगाह का रोड के ऊपर से यहाँ तक खाली थोड़ा सा ट्रैफिक का इंतजाम रहा तो अच्छा है, और हरसून से जो लोग आते हैं वहां पाइप पे अगर रुके तो ट्रॉफी एकदम आता है स्पीड में गाड़ी, तो एक्सीडेंट का डर रहता था ईदगाह वहां पे रोजाबाद की ईदगाह के पास। और दूसरा हर साल की तरह ये होता है, लेकिन एक थोड़ी सी डिफरेंस था, हालात शहर के थे कुछ खराब, अच्छे हुए आप लोगों ने कंट्रोल किया, पुलिस हम उसका शुक्रिया अदा करते, लेकिन एक बात यह बाजार का टाइम है, अभी बीच में कुछ गाड़ियां नहीं लगे करे वो बात की बात, अभी 2-3 दिन जरा मौका दीजिए ताकि लोग रात तक कर सके थोड़ी सी आपके गुडविल, यानी बात हम कहते हैं एक दूसरी जबान में नजर चुकी है, हम कानून से नहीं मांग रहे, तो कम से कम छोटे व्यापारियों का भी धंधा हो जाता है, और लोग तो उसलिए धंधे के लिए जरा ये आज ये 2-3 दिन आप पूरा मौका देंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं हर साल की तरह ये साल भी रमजान के लिए, और ईद भी चैन से गुजरेगी, और जैसा अभी